डर स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर फोर के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो भी हमारा स्कैनिंग से रिलेटेड ही है ठीक है उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि सेंटेक्स एनालिसिस क्या था वी नो फ्राम आवर प्रीवियस लेक्चर दैट द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग देंटेक्स ऑफ द प्रोग्राम इज परफॉर्म्ड इन टू स्टेज के जब भी हम क्या करते थे अपने किसी लैंग्वेज के सेंटेक्स के को, को या किसी प्रोग्राम के सेंटेक्स को वेरीफाई करते थे तो ये दो प्रोसेस जो थे हम अडॉप्ट कर रहे थे नंबर वन स्कैनिंग नंबर टू पार्सिंग स्कैनिंग के अंदर क्या था आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग टोकन्स इन अ प्रोग्राम कि उसमें हम टोकन बनाते थे स्कैन करते थे देन पार्सिंग के अंदर क्या करते थे आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग दैटर्न ऑफ दिन इसमें जस्ट टोकन बनाए जा रहे थे और इसमें टोकन के पैटर्न को वेरीफाई किया जा रहा था ठीक है तो हमारे के अंदर जो रही है हमारी वो हमारी रही से और से और के अंदर ये हमारा जो टास्क था वो परफॉर्म हो रहा था इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस हाउ वेली टोकन मे बी स्पेसिफाइड जो लेक्चर नंबर हमारा थ्री था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो है टोकन्स को वेलड किया जाता है किसकी हेल्प से रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से यानी रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से कैसे हम क्या करते हैं टोकन्स के पैटर्न को वेरीफाई करते हैं आज का जो लेक्चर होगा इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ वी कैन गो अबाउट आइडेंटिफाइंग टोकन्स दैट आर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन तो किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम अपने टोकन्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है स्कैनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप और आपको ये भी पता चल गया होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उससे रेलिवेंट मैंने आपको नंबर के नंबर टोकन को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोडक्शन बनाने का तरीका बताया था

फॉर एग्जाम्पल कोई वो एक्स इनपुट है ठीक है है yes. कि अगर वो जो आपके पास फंक्शन और उसको जो इनपुट एक्स पास की गई है अगर तो वो वैलिड है तो वो कहेगा यस इफ एक्स इज अंटेंस ऑफ द लैंग्वेज अदरवाइज वो क्या कहेगा नो no. ठीक है तो यानी कि एक रिकॉग्नाइजर एक फंक्शन बनेगा जो क्या करेगा हमसे इनपुट लेगा इनपुट फॉर एग्जांपल कोई एक्स इनपुट होगी अगर तो वो लैंग्वेज के साथ मैच करेगा वो सेंटेंस हमारा उस लैंग्वेज का पार्ट होगा तो वो हमारे रिकॉग्नाइजर प्रिंट करवा देगा शो आउट करवा देगा यस yes, अदरवाइज कहेगा नो ठीक है जी इफ का पोर्शन और देन आपका एल्स का पोर्शन इन द कंटेक्सट ऑफ द लेक्सिकल एनालिसिस गिवन अ स्ट्रिंग हम क्या करते हैं स्ट्रिंग पास आउट करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर हमने यही देखा ना मैंने आपको बताया था कि डॉट फाइल के अंदर अब क्या करें कि आप अपने कोड को पेस्ट करें और फाइल हैंडलिंग के थ्रू फाइल को रीड करवाएं तो फाइल को रीड करवाने के बाद वो क्या करेगा ये स्कैन करेगा ठीक है तो स्कैनिंग के प्रोसेस के बाद वो क्या करेगा गिवन अ स्ट्रिंग एंड अ रेगुलर एक्सप्रेशन तो हमें साथ उसको एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी देना पड़ेगा जिस रेगुलर एक्सप्रेशन के तहत वो उस इनपुट कराई गई स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करा सके ठीक है मैच करवा सके जिसके साथ उसके केस को मैच करवाया जा सके तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो भी हमें साथ जो है वो देनी पड़ती है रिकोगनाइजर ऑफ द लैंग्वेज जो भी आप फंक्शन बनाएंगे किसी लैंग्वेज को पहचानने के लिए बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन आंसर यस इफ द स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज तो अगर तो वो उस रेगुलर एक्सप्रेशन से बिलोंग करती होगी वो लैंग्वेज तो आपका रिकोगनाइजर फंक्शन बोलेगा यस अदरवाइज नो हाउ कैन वी रिकोगनाइज आ रेगुलर एक्सप्रेशन इंट कि हम किस तरीके से इस इंट को पहचानेंगे इसका इंट का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा ठीक है आप अपने माइंड में वो नंबर के टोकन को वेरीफाई करने के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाई थी उसको लाजमी अपने माइंड में रखीगा ठीक है तो हम कैसे रिकोगनाइज करेंगे एक रेगुलर एक्सप्रेशन इंट वट अबाउट इंट आर फोर यानी आपके माइंड में इसके बारे में क्या ख्याल आता है कि अगर हम कहते हैं कि int या for है ठीक है int और for we could for example write an ad hoc scanner ठीक है हम क्या करते हैं एक प्रोग्राम लिखते हैं ठीक है राइट एन एड हॉक स्कैनर दैट कंटेनड सिंपल कंडीशंस उस प्रोग्राम में क्या होगा सिंपल कंडीशंस होंगी इफ एल्स पर مشتمل भी हो सकती हैं केस स्टेटमेंट पर भी बेस कर सकती हैं तो वो कंडीशन करेंगी क्या द एबिलिटी टू पीक हेड उसके अंदर एक खूबी ये होगी कि वो क्या करेगी करेक्टर टू करेक्टर मूव करेगी पीक हेड का मतलब होता है पीक हेड का मतलब होता है कि आपने मूव करना है लेफ्ट टू राइट करेक्टर बाय करेक्टर एट द नेक्स्ट टोकन ठीक है एक टोकन को वेरीफाई किया देन दूसरे टोकन को किया देन तीसरे टोकन को किया एंड लूप्स फॉर न्यूमिर ऑफ द सेम टाइप कि जब तक उसको वो लूप जो है वो सिमिलर टोकन नहीं मिलवा देती तब तक वो क्या करेगा उसको next, 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 next चेक करता जाएगा अगर एंड पर पहुंच गए और उस सारी कलेक्शन में आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे नो no मैसेज प्रिंट करवा देंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने विकैबली बनाई हुई थी विकैबरी के अंदर आपके पास तीस वर्ड थे ठीक है तो तीस वर्ड में आपने एंटर करवा लिया यूजर से इंट ठीक है तो क्या वो इंट उसके साथ मैच करता है ठीक है इंट का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है ठीक है फॉर का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है तो आपका वो जो है एडहॉक स्कैनर वो आपका जो पीस ऑफ कोड है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ सिंपल कंडीशन होंगी जो टेस्ट करेंगी आपकी उस इनपुट को और आपकी लूप तब, तब तक आपकी एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक आप स्टार्ट टू एंड नहीं पहुंच जाते ठीक है और इस दौरान अगर आपको को, वो उससे रेलिवेंट कोई मिल जाता है सेम टाइप का तो आप कहते हैं yes, आप कहते हैं नो गॉट इट फॉर एग्जाम्पल देखें अभी बात की थी मैंने इंट की कि इंट का रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे बनाएंगे देखें कि अब हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं इंट को या फॉर को ठीक है हम इंट या फॉर के टोकन को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कंडीशन बनाएंगे कि इफ करंट करेक्टर करंट करेक्टर के अंदर क्या आएगा जो यूजर से आपने इनपुट ली है वो फाइल की इस फॉर्म में भी हो सकती है वो रन टाइम पे इनपुट भी हो सकती है तो वो इनपुट के तौर पे जो आपने करेक्टर लिया क्या वो इनपुट का करेक्टर जो है वो आई है ठीक है अगर तो वो आई है तो फिर क्या करेगा पी नेक्स्ट रेक्टर तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करे नेक्स्ट करेक्टर पे मूव करेगा इफ इट इज एन एन अगर वो एन है तो फिर क्या करेगा फिर नेक्स्ट करेक्टर की तरफ मूव करेगा और अगर वहां पे टी मिलता है तो वो क्या रिटर्न कराएगा इंट रिटर्न करवाएगा ये बात समझ आई आपको कि हम इंट के लिए बना रहे हैं कि इंट में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है आई फाइंड करना है आई मैच करवाना है आई मैच हो गया देन एन मैच करवाना है अगर आई ही मैच नहीं हुआ तो फिर क्या होगा फिर वो नेक्स्ट करेक्टर पे मूव करेगा इसके अंदर आ जाएगा इस बॉडी में नेक्स्ट टोकन भी आ जाएगा वो ठीक है अब क्या होगा कि अब वो चेक करेगा आपने फॉर चेक करना है तो एफ चेक करेगा देन नेक्स्ट करेक्टर पे मूव करेगा वो चेक करेगा देन नेक्स्ट करेक्टर पे मूव करके आर चेक करेगा तो क्या होगा अगर तो वो इन दोनों से मैच नहीं कर रहा ना तो यूजर ने इनपुट किया इंट को ना किया फॉर को तो फिर क्या होगा भाई फिर अगर आपकी ये दोनों कंडीशन या ये सिंपल स्टेटमेंट आपकी मैच नहीं करती तो फिर आप क्या करेंगे आप एरर प्रिंट करवा देंगे ठीक है कि आपकी जो रेलिवेट इनपुट थी वो जो है वो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करती ठीक है जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर बताया कि जो भी हम इनपुट एक्स करवाएंगे अगर तो वो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन या हमारे सेंटेंस का पार्ट होगी तो हम कहेंगे यस yes, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे नो no. ठीक है तो ये हमने क्या चेक किया इंट और फॉर को चेक किया तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं डिफरेंट आपके लैंग्वेज के जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं ठीक है अब ये तो बड़ा कम्प्लिकेटिड होता जा रहा है ये तो बड़ा कॉम्प्लीकेटिड होता जा रहा है कि आप एक एक करेक्टर की जो है आप फंक्शन बना आप एक एक करेक्टर के लिए जो है इस स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ रही हैं लेकिन अगर हम इसको और छोटा कर दे ठीक है एक जेनेरिक फंक्शन बना दें एक जेनेरिक फंक्शन बना दें अब वो जेनेरिक फंक्शन क्या करेगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन एक्सप्लेन करता हूँ कि जेनेरिक फंक्शन क्या होता है कि आपका जो है एक ऐसा सैंपल फंक्शन बना दिया आपने जेनेरिक फंक्शन बना दिया जिसमें वो क्या करेगा सारे के सारे की को वो वेरीफाई करेगा इंट फॉर गेट सी एच गो टू ठीक है सारे के सारे आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सब के लिए आप जो है एक जेनेरिक फंक्शन बनाना चाहते हैं ठीक है कि अगर वो मेरी की की लाइब्रेरी के साथ मैच नहीं होता तो इट मीन को वो प्रिंट करवा दे नो no. वो एक को चेक ही ना करे जाकर ठीक है तो अब उसके लिए जो है हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फाइनाइट ऑटोमेटा का जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो हमारी हेल्प करती है इसको इम्प्लीमेंट करने में अ सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे सेट आपके पास जिसके अंदर ढेर सारे आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन बने हों कैन बी कंपाइल्ड इन टू अकोगनाइजर ऑटोमेटिकली ठीक है तो वो जेनेरिक फंक्शन जो क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन को बिल्ड करेगा ठीक है और आपका फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज करते हुए फाइनाइट ऑटोमेशन का मतलब होता है कि लिमिटेड आपकी ठीक है इन फाइनाइट नहीं है फाइनाइट ऑटोमेशन है कि फाइनाइट लिमिटेड आपके जो की हैं या जो आपकी लैंग्वेज के अदर मेंबर्स हैं अदर आपके रेगुलर एक्सप्रेशन हैं उनकी बेस पे ऑटोमेशन करेगा खुद से फाइंडिंग करेगा ठीक है खुद से सेल्फ फाइंडिंग करेगा यूजिंग स्कैनर जनरेटर टूल्स ठीक है यूजिंग स्कैनर जनरेटेड टूल्स ठीक है मैंने आपको लेक्चर नंबर वन में भी एक लेक्स नाम के टूल से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया था लेक्स नाम के टूल से ठीक है तो लेक्स नाम का टूल क्या करता है वो आपका फाइनाइट ऑटोमेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपके रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से आपके इनपुट को चेक करके रिकोगनाइज करके ऑटोमेटिकली बता देता है कि आप जो है ये आपकी जो इनपुट है ये आपकी करेक्ट आपका टोकन का पैटर्न है या के इनकरेक्ट है ठीक है देन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्कैनर ओवर एन एड हॉक इम्प्लीमेंटेशन इन ईज ऑफ मोडिफिकेशन क्या आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एड हॉक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं मैनुअली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं मॉडिफिकेशंस करना आपके लिए आसान होता है ठीक है

कि आपने अपने रूल्स की फाइल सेपरेट बना के रखी होती हैं तो आप सिंपल अपने रूल्स को यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं तो ओवरऑल आपके प्रोग्राम की जो वर्किंग है वो चेंज हो जाती है वेयर परफार्मेंस इज़ अ कंसर्न जहाँ पर भी आपका परफार्मेंस का इशू होगा हैंड रिटन स्कैनर्स और ऑप्टीमाइज स्कैनर्स मे बी नेसेसरी तो वहाँ पर जो है जहाँ पर आप परफार्मेंस को एक्यूरेट करना चाहते हैं या इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो जितने भी आपके हैंड रिटन स्कैनर्स हैं या आपके पास ऑप्टिमाइज स्कैनर हैं वो आपकी जो है हेल्प करते हैं बट फॉर डेवलपमेंट स्कैनर जनरेट आर मोस्ट यूजफुल लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल लोग चाहते हैं कि हमें कम से कम कोड लिखना पड़े तो इसलिए वो इस तरह के लेक्स नाम के जो है ऑटोमेटिक टूल्स को यूज करते हैं ताकि वो अपने टोकन के पैटर्न को वेरीफाई कर सके ठीक है तो फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या जी द फाइनाइट ऑटोमेशन इज अ सिंपल आइडियलाइज्ड मशीन है एक मशीन है फाइनाइट रूल्स पर काम काम कर काम करने वाली एक छोटी सी मशीन है और वो मशीन कोई आपकी कोई हार्डवेयर लेवल की मशीन नहीं है बल्कि एक आपका क्या है पीस ऑफ कोड है यानी एक ऐसा ऑटोमेटिक फंक्शन है दैट इज यूज टू रिकोगनाइज जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रिकोगनाइज करने के लिए पैटर्न विद इन सम इनपुट कि हमको हम उसे को इनपुट दें तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा का जो फंक्शन है वो क्या करें उस इनपुट को क्या करके वेरीफाई करके रिकोगनाइज करके हमें बता दे अ आट ऑटोमेशन विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन इनपुट ठीक है वो बता सकता है कि ये इनपुट करेक्ट है या इनकरेक्ट है डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ पे किस चीज़ को सामने रखते हुए ऑन वेदर द पैटर्न डिफाइंड बाय द फाइनाइट ऑटोमेशन कि अगर आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर उसकी कोई डेफिनेशन ही आपने नहीं लिखी हुई उसका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन ही नहीं बनाया हुआ आपने तो फिर वो क्या करेगा आपके उस इनपुट को सही तरीके से डील नहीं कर सकेगा ठीक है लेकिन अगर आपने उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को अपने फाइन आर्ट ऑटोमेटा के अंदर सही तरीके से डिफाइन किया हुआ है तो वो आपके प्रोग्राम को वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट जरूर करेगा ठीक है द एलिमेंट ऑफ फाइन आर्ट ऑटोमेटा के इसके पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं गिवन अ सेट ऑफ इनपुट करेक्टर्स ठीक है जब भी आपको इनपुट देते हैं तो वो इनपुट क्या होती है वो इनपुट जो है जब ऑटोमेटा को पास की जाती है तो फाइनाइट ऑटोमेटा की कुछ स्टेट्स होती हैं ठीक है, है? जिनको हम क्या बोलते हैं नोड्स का नाम देते हैं और वो स्टेट्स क्या होती हैं फाइनाइट होती हैं इनफाइनाइट नहीं होती ठीक है, है उसके बाद इसके अंदर क्या होती है एक स्टार्ट स्टेट होती है स्पेशली डिनोटेड स्टार्ट स्टेट उसके बाद सेट ऑफ फाइनल स्टेट आपकी एक फाइनल स्टेट होती है एक स्टार्ट स्टेट होती है अब इन दोनों के दरमियान और भी नोड्स हो सकती हैं और भी स्टेट्स हो सकती हैं अ सेट ऑफ लेबल्ड ट्रांजिशन और जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ आप मूव करेंगे तो आप जो एरो का सिंबल यूज़ करेंगे तो उस एरो के सिंबल के ऊपर क्या करेंगे आप लेबल करेंगे यानी ट्रांजिशन जब भी होगी वो लेबल्ड ट्रांजेक्शन होगी ठीक है फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर कि जब भी किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव करेंगे तो लेबल्ड ट्रांजिशन के थ्रू आप मूव करेंगे

टर्मिनेट कब होगी यानी एक्सेप्ट स्टेट कब होगी फाइनल स्टेट कब होगी जब तक के इसके पास odd number of times one नहीं आएंगे, ठीक है? है? का मतलब क्या यानी जब तक आप odd number of times one input नहीं करेंगे तब तक क्या होगा आपका ये फाइनेट ऑटोमेटा का फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा होता रहेगा ठीक है इसको टर्मिनेशन स्टेज पर पहुंचाने के लिए हमें और नंबर ऑफ टाइम्स वन चाहिए तो अब ये जिसमें एस लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है जी ये आपके पास स्टार्ट स्टेट है और ये जिसमें एफ लिखा हुआ है ये एक फाइनल स्टेट है स्टार्ट स्टेट के लिए सिंगल दायरा भी यूज कर सकते हैं सिंगल सर्कल और जो है फाइनल स्टेट के लिए डबल सर्कल भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर फाइनल का कीवर्ड भी मेंशन कर सकते हैं और इसके अंदर स्टार्ट का कीवर्ड भी मेंशन कर सकते हैं ठीक है इसको जो है माइनस के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके अंदर आप प्लस का साइन भी लगा सकते हैं तो ये स्टार्ट और फाइनल स्टेट को डिक्लेयर करने के कोई तीन से चार मेथड्स हैं जिनको आपने थ्रोफोटोमेटा की बुक के अंदर भी स्टडी किया होगा ठीक है और देन ये जो एरो यूज़ किया जा रहा है ये ट्रांजिशन यूज़ हो रही है ठीक है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के दरमियान इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन और इसके ऊपर ये जो वन लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको कहते हैं ट्रांजिशन लेबल यानी ये इनपुट दी जा रही है कि अगर मैं स्टेट वन के ऊपर हूँ और मैं वन इनपुट करता हूँ तो मैं कहाँ पे जाऊँगा मैं फाइनल स्टेट पर मूव करूंगा ठीक है तो अब ये हमारी जो फाइनाइट ऑटोमेटा की जो डायग्राम थी ये किस 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 रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए बनाई गई है जो वन और जीरो को एक्सेप्ट करती है ठीक है तो मैं स्टेट वन स्टेट के, स्टार्ट स्टेट के ऊपर रहते हुए जीरो भी इनपुट करा सकता हूँ और वन भी इनपुट करा सकता हूँ ठीक है और जीरो इनपुट कराऊंगा तो वो मुझे स्टार्ट पे ही रखेगी और वन इनपुट कराऊंगा तो वो मुझे फाइनल पे ले जाएगी ठीक है अब यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम जीरो भी एंटर कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं जाकर वन भी एंटर कर सकता हूँ ठीक है अब वन एंटर कर सकता हूँ तो दोबारा जब तक मैं वन एंटर नहीं करूंगा तो मैं फाइनल के ऊपर नहीं जाऊंगा ठीक है यानी एक वन ये हो गया एक वन ये हो गया टू वन हो गए अगर मैं दोबारा यहाँ से जाऊंगा तो ये थ्री वन होंगे तो और नंबर ऑफ टाइम वन होंगे तो मैं स्टार्ट से फाइनल की तरफ जाऊंगा ठीक है और इसके दरम्यान में मल्टीपल टाइम जो है वो आप मल्टीपल जो है वन भी ले सकते हैं मल्टीपल जीरो भी ले सकते हैं ठीक है ये जो है ये जो एरो इसी के ऊपर लगाई है इसी को ही हम क्या कहते हैं क्लूजर कहते हैं इसी को ही हम क्लूजर कहते हैं यानी लूप कहते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्लीन क्लूजर जो होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं एक प्लस होता है और एक स्टेरिक होता है ठीक है तो ये स्टेरिक की फॉर्म के अंदर जो है हमने इसको स्टेरिकलूजर को यूज किया है ठीक है तो उम्मीद है कि आपको फाइनाइट ऑटोमेटा की डायग्राम के जो रूल्स हैं वो आपको रिकॉल हो गए होंगे तो वी एक्सेप्ट स्ट्रिंग ओनली इफ इट्स करेक्टर प्रोवाइड अ पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट टू द सम फाइनल स्टेट कि हम सिर्फ उन करेक्टर्स को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं ठीक है या यस प्रिंट करवा सकते हैं जो करेक्टर यानी वो जो इनपुट करेक्टर लेंगे वो इनपुट करेक्टर्स अगर हमें स्टार्ट से फाइनल तक की तरफ लेकर जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो इनपुट जो है वो हमारी जो है वो वैलिड इनपुट है तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं उस उन करेक्टर्स को अगर वो करेक्टर हमारे इस फाइन ऑटोमेटा में हमें स्टार्ट से लेके फाइनल तक पहुंचा देते हैं तो हम कहेंगे कि वो इनपुट जो है वो वैलिड है अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि वो इनपुट इनवेलिड है ठीक है मेरी बात समझ आई आपको कि जब भी किसी टोकन के पैटर्न को वेरीफाई किया जाता है तो उसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई जाती है उस रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे हम फाइन ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ऑटोमेटिक फंक्शन बनाते हैं ठीक है उन ऑटोमेटेड फंक्शन को जब हम कोई इनपुट पास करते हैं तो वो इनपुट को चेक करके बता देता है कि ये मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग है या नहीं है अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो डायग्राम है ये डायग्राम को हम तो कंपाइलर में डायग्राम तो नजर ही नहीं आती तो ये क्या चक्कर होता है तो एक्चुअल में एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो है ये बैक एंड के कंसेप्ट है ठीक है ये बैक एंड के कंसेप्ट है ये डायग्राम नहीं बनाई जाती उसके अंदर बल्कि डायग्राम की कोडिंग की जाती है डायग्राम की प्रोग्रामिंग की जाती है अब तक आपने थ्यूरी जो चीज़ें पढ़ी होंगी वो आपने सिर्फ जो है वो रजिस्टर की हद तक या बोर्ड के के होंगी। के ऊपर आपने आपने डायग्राम डायग्राम बना देखी होंगी सिस्टम अंदर इन को बनाकर एग्जीक्यूट करके नहीं देखा ठीक है तो आपको चाहिए था कि आप लास्ट सेमेस्टर के अंदर जो है वो इनकी प्रैक्टिस करते कि किस तरीके से जो है हम थ्यूरी फोटोमेटा को या अपनी फाइनाइट ऑटोमेटा एफ एन एफ ए डी एफ ए को जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनको किस तरह से हम कोई इनपुट देकर एग्जीक्यूट करवा के कैसे देखते हैं ठीक है तो आपने तो अब तक तो सिर्फ ट्रांजेक्शन टेबल जो है वो मैनुअली बनाकर देखे होंगे ऑटोमेटिक आपने टास्क परफॉर्म नहीं किए होंगे तो इस के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उनको कंपाइलर के अंदर यूटिलाइज करेंगे ठीक है और आप इनका प्रोग्राम किस तरह करेंगे ठीक है तो अब आपको पहले समझना चाहिए पहले ये अंडरस्टैंड करना है आपने फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है उसका पर्पज क्या है उसको हम कंपाइलर में क्यों यूज कर रहे हैं ठीक है और रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ इस फाइनाइट ऑटोमेटा के डायग्राम का क्या ताल्लुक है ठीक है तो ये तीन चार जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया जो की पॉइंट बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को आपके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है ठीक है देन आगे मूव करते हैं कि जब फाइनाइट ऑटोमेटा को क्या किया जाता है कि दो फ्लेवर्स में डिवाइड किया जाता है फ्लेवर नंबर वन फ्लेवर नंबर टू ये कोई जूसेस का फ्लेवर नहीं है फ्लेवर का मतलब है कि इसके टाइप्स क्या हैं

उसके बाद फॉर स्टेट और जब भी आप किसी स्टेट के ऊपर बैठे होते हैं and any given input, और कोई भी आप जब input देते हैं तो उसके अगेंस्ट ओनली वन पॉसिबल ट्रांजिशन तो आप एक स्टेट से दो स्टेट्स की तरफ नहीं जा सकते दो तरफ इनपुट नहीं दे सकते एक स्टेट से सिर्फ दूसरी स्टेट की तरफ ही जा सकते हैं तीसरी की तरफ नहीं जा सकते ठीक है तो आपने क्या करना है किसी भी स्टेटमेंट के स्टेट के ऊपर रहते हुए एक ही इनपुट देनी है और आपने एक ही पॉसिबल ट्रांजिशन जो है वो परफॉर्म करनी है देन एन दूसरी इसकी जो टाइप है नॉन डिटर्मिस्टिक फाइन एटोमेटा तो नॉन डिटरिस्टिक के अंदर जो है वो क्या होता है कि देर में भी मोर देन वन ट्रांजिशन फ्रॉम एनी गिवन स्टेट के एक स्टेट से आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एनी गिवन करेक्टर और कुछ भी आप इनपुट करवा सकते हैं देर में भी एपिसोड ट्रांजिशन की आप खाली स्टेट भी दे सकते हैं ठीक एम टी स्टेट देकर भी आप स्टेट वन से स्टेट टू की तरफ जा सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको कोई और इनपुट चाहिए तो आप एम टी स्टेट को भी यूज कर सकते हैं ठीक है ट्रांजिशन लेबल्ड बाय द एम टी स्ट्रिंग जब आप कोई एपसोन को यूज करेंगे तो एपलिसन क्या होता है कि आपके पास एम टी स्टेट होती है जिसको आप कैप से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और लैमडा से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं ठीक है तो देर इज नो ऑब्वियस एलगोरिदम फॉर कन्वर्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन टू डी एफ ए तो हमारे पास जो है कोई एक ऐसा मेथड नहीं है देखो अब हम यहाँ पे मैंने बात की कि हमारे पास कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जिसको हम यूज करके रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सके डी के अंदर अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डी में ही कन्वर्ट क्यों करना है ठीक है तो भाई ऊपर वापस आओ देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन आपको बताई कि डी के अंदर क्या होता है कि और कल के टॉपिक के अंदर लास्ट वीक के अंदर हमारे टॉपिक के अंदर क्या कहा था हमने कि कंपाइलर के अंदर जब हम पार्सिंग करते हैं तो उसमें से हमने एम्बिग्युटी को रिमूव करना होता है ठीक है एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स उसके अंदर पास नहीं कर सकते ठीक है तो एम्बिगिटी को आपने डील करना होता है तो इसलिए हमारे पास जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन हैं वो ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन हों जो करेक्ट ट्री बनाए ठीक है जो करेक्ट पैटर्न को वेरीफाई करें एम्बिगुअस पैटर्न ना हो उसके अंदर तो ऐसे एम्बिगुस पैटर्न से बचने के लिए हम क्या करते हैं उसकी एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डायग्राम बनाते हैं ठीक है एन के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज को अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को तो रेगुलर एक्सप्रेशन से आते हैं ठीक है रेगुलर एक्सप्रेशन को फिर हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर डीएफए के अंदर तो डीएफए की जरूरत अब आप आपको नजर आ गई कि डी एफ ए के अंदर हमारा जाने का मकसद क्या है कि हम एम्बिगिटी को खत्म करना चाहते हैं तो टिपिकली क्या करते हैं कि जब भी कोई स्कैनर प्रोग्राम बनाया जाता है तो वो स्कैनर प्रोग्राम क्या करता है क्रिएट करता है डी एफ ए किससे फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग वे किस तरीके से नंबर वन नंबर स्टेप वन के सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्शंस को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर एन एफ एक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन यानी एक एन एफ ए क्रिएट किया जाता है जो आपकी उस रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्वल हो यानी सबसे पहले आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी आनी चाहिए फिर नंबर टू आपके पास आपको उसके इक्वल एंड एन बनाना आना चाहिए नंबर थ्री आपको उसके उस के आपको डी एफ ए बनाना आना चाहिए और नंबर फोर आपको जो आपने डी बनाया है उस डी की स्टेट्स को मिनिमाइज करना आना चाहिए ठीक है मिनिमाइज करना आना चाहिए तो ये आपके जो है समझ लो कि चार आपके मेजर टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं ठीक है इससे पहले एक जीरो टास्क भी होता है जीरो टास्क के अंदर क्या होता है कि वो रूल्स डिफाइन करने होते हैं आपने ठीक है वो रूल्स आपने पहले एनालाइज करने हैं जिन रूल्स को सामने रखते हुए अब क्या करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं ठीक है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं जिस तरह कल के लेक्चर में हमने वो आपको रिटर्न स्टेटमेंट्स मैंने दी थी ठीक है आज के भी लेक्चर के अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट क्या है कि ये वो रिटर्न स्टेटमेंट है ये वाली ठीक है ये वो रिटर्न स्टेटमेंट है जिसको जिसकी बेस पे आप क्या करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं उस रेगुलर एक्सप्रेशन की फिर आप क्या करते हैं आप एक एन क्रिएट करते हैं और फिर उस एन को क्या करते हैं फिर आप डी में कन्वर्ट करते हैं और फिर आप चौथा स्टेप क्या होगा कि DFA को को मिनिमाइज करते हैं उसकी स्टेट्स कम करने की कोशिश करते हैं ठीक है अब ये चार स्टेप्स को आपने भूलना नहीं है कि जब भी कोई आपको टास्क दिया जाए तो आपने ये चार आपने टास्क उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे एन बनाया कैसे जाता है एन एफ ए बनाया कैसे जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से एन एफ ए कैसे बनाया जाता है लेट्स से वी हैव सम रेगुलर एक्सप्रेशन दैट स्पेसिफाई द टोकन वी अलाउ इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाउ डू वी टर्न दिस इंटू एन एन एफ हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है किसी टोकन का पैटर्न हमारे पास है तो हम उसकी एन एफ ए कैसे कन्वर्ट क्रिएट कर सकते हैं वेल देर आर कपल ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वी कैन यूज कि हम बहुत सारे ऐसे टास्क ऐसे स्टेप्स ऐसे बेसिक ब्लॉक्स फॉलो करेंगे जिनको यूज करते हुए हम एनएफए को क्रिएट करेंगे लेट्स से आवर रेगुलर एक्सप्रेशन इज सिंपली ए अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे सिंपल हम एक ए एक कैरेक्टर है हमारे पास ए इसका हम रेगुलर इसकी हम एनएफए बनाना चाहते हैं मीनिंग वी ओनली एक्सेप्ट वन इंस्टेंस ऑफ द कैरेक्टर ए एज ए टोकन कि जब हमें ए

ठीक है एम टी स्ट्रिंग ए कि हम क्या कर सकते हैं देखें कि हमारे पास एक दो स्टेट के ऊपर हमने इसका कहानी खत्म कर दी इसको हमने वेरीफाई कर लिया ए के पैटर्न को हमने वेरीफाई कर लिया ठीक है कि अब हमारी जो एम टी स्ट्रिंग है वो हमारी जो है आपको बताया था कि आपकी एन एफ ए जो है वो एम टी स्ट्रिंग को जो है वो वेरीफाई नहीं करती ठीक है एम्पटी स्ट्रिंग जो है वो किसके अंदर oh,

ठीक है तो हमने ए की डायग्राम बनाई ठीक है फिर हमने बी की बी इनपुट कराया यानी ए की डायग्राम अलादा बना दी और बी की डायग्राम अलादा बना दी यानी ये जो प्रीवियस डायग्राम बनाई है इसके साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं एक बी की डायग्राम भी बना देते हैं ठीक है एक बी की डायग्राम भी बना दी और ये वाला हमारे पास जो है वो फाइनल है अब ये हमारे पास फाइनल नहीं है तो अब पहले ए इनपुट के तौर पे दिया जाएगा फिर आपको बी इनपुट के तौर पे दिया जाएगा तो हमने दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कनकेट कर दिया दो different strings को कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं या ए इनपुट करो या बी इनपुट करो या बी इनपुट करो, करो तो ये रास्ता जो है आपके पास आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मल्टीपल इनपुट दे सकते हैं लेकिन डी एफ ए के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे ठीक है मल्टीपल इनपुट्स नहीं देंगे अंडरस्टैंड ठीक है तो अब हमारे पास ये हमारे पास ए का रास्ता हो गया ये हमारे पास बी का रास्ता हो गया अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये हम अगर ये स्टेट देनी जरूरी तो नहीं थी ये भी स्टेट देनी जरूरी तो नहीं थी ठीक है तो हमने एम को एड क्यू करवाया हमने एम को एड क्यू करवाया ये इसलिए करवाया कि अगर आप अपने इस एम को अपनी इस डायग्राम का पार्ट बनाएंगे तो उसका फायदा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिखाता हूं कि इसका एडवांटेज क्या होगा आपको ठीक है तो अभी आपने अपने माइंड में क्या स्केच रखना है कि एक ए और बी को अगर हम अल्टरनेट की डायग्राम बनाते हैं तो उसका ये स्केच आपने यूज करना है तो अब अब मैं, हम आते हैं के अब ए की डायग्राम क्या थी ये ए की डायग्राम थी ये सिंपल आपका ए का पोर्शन था और अगर मैंने इसकी रेपिटेशन करनी है तो मैं क्या करूंगा सिंपली मैं क्या करूंगा इसकी रेपिटेशन के लिए मैं ये जो एम स्टेट मैंने ऐड करवाई थी इस एम स्टेट को मैं वापस ले आऊँगा इसके ऊपर ठीक है एम स्टेट को मैं वापस ले आऊंगा यहाँ पर तो ये मैं एम इनपुट देकर मैं दोबारा ये क्या कर सकता हूँ इनपुट करा सकता हूँ तो ये मेरा लूप लग सकता है और जब मेरा दिल करेगा मैं फाइनल पे चला जाऊंगा अब अगर मैं ये ऐड ना करता ये वाली स्टेट ऐड ना करता और यहाँ से मैं फाइनल की तरफ आने की कोशिश करता तो ये मेरे एनएफए के रूल के खिलाफ था एनएफए का रूल क्या कहता है कि फाइनल स्टेट से आपने वापस नहीं आना ठीक है रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 स्टार्ट स्टेट पे वापस नहीं आना रूल नंबर 1 क्या था फाइनल स्टेट के बाद कहीं नहीं जाना और रूल नंबर 2 स्टार्ट स्टेट पे वापस नहीं आना तो इसलिए हमने क्या किया ये दो एम्प्टी स्टेट्स मैंने ऐड करवाई ताकि हम क्या करें इनके दरमियान हम रूप करवा सकें ना तो हम फाइनल से वापस हमें लौटना पड़े ना हमें स्टार्ट के ऊपर वापस आना पड़े तो अगर हम ए भी इनपुट नहीं कराता तो मैं खाली एक एम इनपुट करवा कर मैं फाइनल पे भी जा सकता हूँ ए स्टैरिक है ना तो इसका मतलब था नल भी आ सकता है ठीक है एक ए भी आ सकता है ठीक है डबल ए भी आ सकता है और इस तरह आपके पास जो है वो एन टाइम्स आप जो है वो ए एंटर करवा सकते हैं ठीक है मेरी बात समझ आई आपको कोई कन्फ्यूजन है इस डायग्राम में अपना क्वेश्चन नोट कर लें देन फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं ठीक है तो ए टैरी को क्लीन क्लूजर को डील किया है लेकिन अगर मैं ए की जगह मैं कहता नहीं जी प्लस है फिर क्या होता फिर ये आपकी जो एम्पटी स्टेट आपने दी है ये खत्म हो जाती है ये फिर आपकी स्टेट खत्म हो जाती ठीक है तो फिर आपकी ये डायग्राम इस प्रोसेस के लिए वैलिड रहती है इस डायग्राम इस प्रोसेस के लिए वैलिड रहती इस इनपुट को ये हैंडल कर लेती ठीक है जी थी? तो अब कि जब हमने एन एफ ए को बनाया तो हमने तीन ऐसी बातें नोट की ठीक है वो पहली बात क्या थी देर आर नो ट्रांजिशन बैक इन टू वापस नहीं आना देर इज अगल फाइनल स्टेट ए की फाइनल स्टेट होगी देर आर नो ट्रांजिशन आउट ऑफ वापस नहीं आना या फाइनल स्टेट से आगे किसी और जगह पे मूव नहीं करना तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है जब भी आपने एन को कंस्ट्रक्ट करना है क्वेश्चन आपको जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन से आपने एनएफ कन्वर्ट करना होगा ठीक है और फिर उस एन को कन्वर्ट करना होगा डीएफए में और फिर डीएफए को मिनिमाइज करना होगा तो वो बाद के स्टेप्स हैं अभी हम सिर्फ एन पे पहुंचे हैं बिकॉज ऑफ दीज इन वेरियंट प्रॉपर्टीज इन खूबियों की बिना पे वी कैन कंबाइन स्मॉलर एन टू क्रिएट लार्जर एन तो इन खूबियों की वजह से हम क्या कर सकते हैं

अभी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको ठीक है लेट्स पुट ऑल लेट्स पुट दिस ऑल टूगेदर लेट्स से आई हैव द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन कि मेरे पास ये एक इनपुट है ठीक है ए और बी इनटू सी उसका भी स्टेरिक होल स्टेरिक ठीक है तो ये क्या क्या बना सकते हैं ये ए और बी सारा नल भी हो सकता है तो इसलिए एम्प्टी कर दिया ये ए और सी भी हो सकता है ये ए बी सी भी हो सकता है ये ए सी ए सी भी हो सकता है ये ए ए सी 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 बी बी भी भी हो सकता है, BC, भी हो सकता सकता है है तो इस तरह की सारी की सारी ग्रामर जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो सकती है वो आप बना सकते हैं अब आपको सबसे पहले तो मैं इंग्लिश स्टेटमेंट दूंगा उस इंग्लिश स्टेटमेंट से आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए उस रेगुलर एक्सप्रेशन को बना के फिर आपने इस तरह की इनपुट दे के उसको वेरीफाई करना आना चाहिए उसको वेरीफाई करने के बाद फिर उसको इस शक्ल के अंदर कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए स्टार्ट विद ए और बी हम मैंने आपको क्या कहा था अभी लास्ट साइड के ऊपर कि आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स पहले पकड़ते हैं फिर आप बड़े उसको इंटीग्रेट करके बड़ा एन एफ ए बनाते हैं तो इसमें सबसे छोटा इन, जो इनर पार्ट है वो इसका जो है वो ए और बी का है ठीक है ये इनर ब्रैकेट ये सबसे पहले फोकस की जाएगी ठीक है इसके अंदर आपने डी मैस रूल को भी फॉलो कर सकते हो और आप जो है वो अपने पैटर्न को लेफ्ट टू राइट के पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हो तो बॉडी जो इनर बॉडी है ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा है इसलिए ए और बी को पहले आप डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या ए और बी की हमने पहले क्या करना है एन बनाना है और उसका एन ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर बनाकर दिया था कि यहाँ से ए इनपुट के तौर पर जा रहा है और यहाँ से बी इनपुट के तौर पर जा रहा है और इसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि एम्प्टी स्टेट हमने क्यों ऐड करवाई है इसके अंदर क्योंकि एन एफ ए हमें परमिशन देते हैं एम की तो हमने एम ऐड करवाई है और इसके फायदे भी तो बताए हैं ना अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर ठीक है जो इसका फायदा क्या था कि हमें फाइनल से वापस नहीं लौटना पड़ेगा और स्टार्ट के ऊपर वापस नहीं आना पड़ेगा ठीक है तो इन रूल्स को सामने रखते हुए मैंने इसके अंदर एम स्टेट्स को ऐड करवाया तो अब आपके पास ए और बी का बन गया ठीक है अब आपने हाँ क्या करना है ये तो और का पोर्शन था अब आपने देखना कनकेटिनेशन की डायग्राम क्या दिखाई है मैंने आपको ये देखना ये कंकैटिनेशन की थी कि ये एक डायग्राम बन गई थी अब उसके साथ सी को ऐड करवाना है हमने उसके साथ सी को ऐड यानी ये जो डायग्राम थी अगर मैं इसकी फाइनल स्टेट यहां से उठा के यहां पर ले जाऊं ठीक है ये फाइनल स्टेट बना दू और यहां पर क्या कर दू सी लिख दू सी लिख दू तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास ए और भी ठीक है ब्रैकेट ठीक है और ये सी को मैंने कहकर करा दिया तो इसकी डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी इसकी मैंने नई बनाई है और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है अब ये, ये फाइनल नहीं है ये वाली फाइनल है ठीक है आपकी कोई और स्टेट है इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी सीक्वेंस आपका चल रहा होगा ठीक है तो ये मैंने कनकैड करा दिया अब कनकैड कराने के बाद मैंने आपको अगली डायग्राम दिखाई थी क्लोजर की देखें ये एक प्रॉपर्टी ये एक लाइन खेस के मैंने इसको क्लोजर बना दिया था तो अगर मैं इसी डायग्राम का क्या करूं यहां पर इसकी ब्रैकेट इसके गिद में लगाऊं और इसके ऊपर स्टेरिक लगा दूं तो अब अब मैं क्या कर सकता हूं अब मेरे पास ये स्टार्ट है और इस स्टार्ट से मैं क्या करूंगा सीधी लाइन खींच के अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंचा सकता हूं मेरी बात समझ आई आपको अब मैं इसको दिखाता हूं कि कैसे बनाया हमने यहाँ तक क्लियर हो गया ए और बी की अब आपने मैंने क्या किया इसके साथ ए और बी के साथ सी को कनकैट करा दिया ये ए और बी की डायग्राम थी ये इसके साथ मैंने सी को कन करा दिया ठीक है तो ये भी इनपुट आपकी यहाँ पर आ गई ये भी इनपुट यहाँ पे आ गई ये स्टेट आगे जो है वो सी की इनपुट लेकर आगे जा सकती है ठीक है सी की इनपुट लेकर आगे जा सकती है देन 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 क्या होगा जी then आगे अगर अब हमने नेक्स्ट काम ये करना था कि हमने ये होल्स ब्रैकेट देनी थी दोनों के गेजर और फिर उसके ऊपर हमने ये स्टेरिक लगाना था ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर एम्प्टी स्टेट को ठीक है क्लोजर को तो क्लोजर को एड करने के लिए ये पूरी की पूरी डायग्राम यहां तक वही थी ये फाइनल थी आपकी ठीक है ये फाइनल थी अब मैंने एक और एम्प्टी स्टेट ऐड कर दी क्योंकि मैं पीछे वापस नहीं लौट सकता ना क्लोजर के अंदर तो बार बार रेपिटेशन आनी है ए बी या बी सी बीसी जो भी बी सी ए सी तो वो वापस लाने के लिए मैं क्या करूंगा फाइनल से पहले एक स्टेट से मैं पीछे बैक आऊंगा इस स्टेट के ऊपर ठीक है इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ एम्प्टी देकर मैं वापस आ रहा हूँ

ठीक है जी अंडरस्टैंड कर लिया मेरी बात को अब आगे चलें किस तरीके से हमने क्या किया किस तरीके से हमने इस इनपुट ए और बी को जो पहले ड्रॉ किया फिर हमने सी के साथ कनकैड कराया फिर हमने क्लोजर को ऐड कराया तो मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि तीन ही प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं कौन कौन सी आपकी क्लोजर की प्रॉपर्टी है कनकेटिनेशन की और एक अल्टरनेशन की तो तीन ही प्रॉपर्टीज अगर आपको सही तरीके से आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप हर एन को जनरेट करवा सकते हैं ठीक है तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे अब हमारा अगला टारगेट था कि एफ एन एफ ए को डी एफ ए के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है एन एफ ए को डी एफ ए के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है तो इफ वी कैन इज़ीली कन्वर्ट आवर रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम क्या करें इज़ीली कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को इनटू एन एफ ए ठीक है देन वी डू we need to further convert into the DFA. कि अगर हमें एक step आ गया है, तो हमें दूसरा step भी आना चाहिए। Well, NFA admit a number of transitions from a single state for the same input. For example, in the last NFA, we can move the to a state that admit a or state that admit b or an empty string. कि यहाँ तो आप a दे सकते थे, या b दे, दे सकते थे, या आप empty दे सकते थे। तो आप एक state के ऊपर रहते हुए multiple transitions pass नहीं कर रहे थे, ठीक है? To to implement

कि वो रास्ता वही होगा लेकिन वो क्या करेगा वो हमारी मल्टीपल इनपुट्स को यूज करके हमें जो है वो फाइनल तक पहुंचा देगा ठीक है तो हमारे पास देखो कितनी सारी स्टेट्स बना दी इसके अंदर नौ स्टेट बना दी पकड़ के तो हमें जितनी ज्यादा हमारी स्टेट्स होंगी उतना ही ज्यादा हमारा जो कोड होगा वो कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा ठीक है उतना ही कोड जो है वो हमें उसका ज्यादा लिखना पड़ेगा ठीक है तो अब हम क्या करते हैं इसको डीएफए में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम एम्प्टी स्टेट्स को रिमूव करवा सके यानी वो जो ब्लैंक स्पेसिस आपको बताई हैं 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 वाइट जो है, ये वो empty ही इनको हम एक तो रिमूव करना चाहते हैं दूसरा अपनी स्टेट्स को कम करना चाहते हैं ठीक है कम कम से से स्टेट्स ताकि हम स्टार्ट फाइनल पे पहुंच जाएं और हमारा टोकन का पैटर्न जो है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई हो जाए तो अब हम क्या करेंगे देखिए अब ये जो नौ स्टेट्स आपको दिखा रहा हूं मैं इनको हम देखिएगा कि अब हम कम कैसे करते हैं नंबर वन बिफोर कंज्यूमिंग एनी इनपुट वी कुड बी इन द स्टेट वन कि अब हम इस वक्त स्टेट वन में मौजूद हैं यहाँ पर वन में मौजूद है ये वाली वन स्टेट के ऊपर मौजूद है ठीक है बट वी कुड आल्सो इन द स्टेट टू थ्री फाइव एंड नाइन लेकिन इस वक्त हम अभी कोई इनपुट नहीं करा रहे तो हम वन पे भी मौजूद हैं टू पे भी मौजूद हैं थ्री पे भी मौजूद हैं फाइव पे भी मौजूद हैं और नाइन पे भी मौजूद हैं यानी ये वाली एम भी तो दे रहे हैं ना हम ठीक है तो अब जितने भी एम आप दे रहे हैं तो उन एम को अगर मैं रिमूव करूँ तो मेरे पास स्टेट नंबर वन भी खत्म हो जाती है स्टेट नंबर टू भी खत्म हो जाती है स्टेट नंबर थ्री भी खत्म हो जाती है स्टेट नंबर फाइव भी खत्म हो जाती है स्टेट नंबर नाइन भी ख़त्म हो जाती है ठीक है तो इन सारी स्टेट्स को मैं क्या करता हूँ मैं कॉमन बना देता हूँ वन टू थ्री फाइव और नाइन को देखो अभी तक मैंने ना तो ए इनपुट कराया ना मैंने बी इनपुट कराया तो अभी तो मैं खाली स्टेटों पर घूम रहा हूँ ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सारी स्टेट्स को रिमूव करके मैं एक स्टेट बना देता हूँ और उस स्टेट का नाम रख देता हूँ ए स्टेट ठीक है लेट्स मेक अ स्टार्टिंग स्टेट ए विच इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टार्टिंग स्टेट अब मैं ए से ए भी इनपुट कर सकता हूँ और बी भी इनपुट कर सकता हूँ ठीक है अब देखना है कि कैसे अब नेक्स्ट आता है जी अब इफ वी रिसीव एन इनपुट ए कि अगर हम ए पे बैठ के इन स्टेट्स पर बैठ के मैं ए इनपुट कराता हूँ ठीक है

ये हमारी खत्म हो सकती है तो ये क्या होगा हमारा ए इनपुट का मसला हल हो जाता है तो इसलिए बी स्टेट अगर हम ए स्टेट पे बैठे हैं और हम ए इनपुट कराते हैं स्मॉल ए तो हम बी स्टेट पे चले जाते हैं ठीक है अब मुझे बताओ कि अगर मैं बी इनपुट कराऊं तो क्या होगा अगर मैं ये इनपुट कराऊंगा बी तो फिर मेरी कौन सी स्टेट्स खत्म हो सकती हैं तो यहाँ पर मेरी एक नई स्टेट बन सकती है जिसको मैं सी का नाम दे सकता हूँ और उसी के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ सिक्स आपका और मैं सेवन को खत्म कर सकता हूँ ठीक है तो यहाँ से इस स्टेट को मैं जब इनपुट क्या कर सकता हूँ मैं बी इनपुट कर सकता हूँ देखो ए इनपुट किया तो भी सेवन पे पहुँच गया फोर को रिमूव कर दिया और जब मैं बी इनपुट करता हूँ तो मैं फिर भी सेवन पे पहुँच सकता हूँ और सिक्स को रिमूव करके ठीक है तो ये क्या होगा हमारे पास अगला तरीका क्या होगा हमारे पास कि हमने ए इनपुट भी करा दिया ए स्टेट पर रहते हुए इस स्टेट पर रहते हुए हम ए भी मैं इनपुट करवा रहा, रहा हूँ और मैं बी भी, भी इनपुट करवा रहा हूँ और ए इनपुट करवा के भी मैं फाइनल पे पहुंच रहा हूँ और बी इनपुट करवा के भी मैं फाइनल पे पहुंच रहा हूँ ठीक है लेकिन अब मसला जो है वो अभी हमने क्लूजर को डील नहीं किया ठीक है मसला अभी क्लूजर का भी रहता है और अभी आपका जो है वो क्या होता है कि अभी आपका मसला आपका कनकैटिनेशन का भी रहता है यानी अभी तक मैंने जो डायग्राम बनाई है वो मैंने ए और बी को कलियर कवर किया है कि अभी तक सिर्फ ये डायग्राम इस चीज़ को डील कर रही है कि या ए इनपुट दे सकता हूँ या मैं बी इनपुट दे सकता हूँ और अगर मैंने साथ सी को ऐड करवाना हो तो मैं क्या करूँगा तो फिर मैं यहाँ पर एक नई डायग्राम बना दूंगा जिसका नाम क्या रख दूंगा मैं उसका नाम डी रख दूंगा और डी को जो है ये एक नई स्टेट होगी और एक ए जो है ए के साथ भी इसका लिंक बन सकता है और बी के साथ भी इसका लिंक बन सकता है तो इधर से भी सी इनपुट हो सकता है और इधर से भी सी इनपुट हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है या मैं गलत कर रहा हूं जरा बनाएं फिर मैं आपको इसका करेक्ट सोलूशन दिखाता हूं क्या मैंने कनकैट करवाना है सी को तो क्या सी को इस तरीके से मैं कनकैट करवा सकता हूं तो देखें क्या होगा कि मैंने सी कनकैट करवा दिया कि C को जब मैं कनकैट करवाता हूँ B से भी मैं C की तरफ जा सकता हूँ यानी ए बी भी कर सकता हूँ या ए सी भी कर सकता हूँ क्योंकि देखो दोनों में से एक वक्त में एक की इनपुट आएगी या ए की आएगी या बी की आएगी तो इसलिए आप ए सी भी कर सकते हैं ठीक है और आप बी सी भी बना सकते हैं ठीक है इस डायग्राम से कि यहाँ से आप ए ये आपकी फाइनल स्टेट होगी ये आपकी फाइनल स्टेट होगी ठीक है तो आपने बी और सी से भी फाइनल पे चले गए ए और सी से भी आप फाइनल पे चले गए ठीक है तो अब जब आप फाइनल पे गए सी भी कनक एड करा दिया तो अब आपकी स्टेट नंबर टू स्टेट नंबर थ्री स्टेट नंबर फाइव स्टेट नंबर एट स्टेट नंबर नाइन सॉरी की सारी खत्म होती हैं आपकी ठीक है कि आप स्टार्ट से लेके फाइनल तक पहुंच गए कनकैड भी करा लिया आपने सी को लेकिन अब हमारे पास जो था हमने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किया किसका ए का और बी का और इसके साथ हमने क्या किया कनकैड किया सी को अब मैं क्या करना चाहता हूँ अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इसके गिर्द जो है एक और ब्रैकेट लगाना चाहता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लूजर लगाना चाहता हूँ अब ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आऊँगा कि मैं जब सी पर आऊँ जब मैं सी इनपुट करा लूँ ये वाली जब मैं सी इनपुट करा लूँ तब तो मैं वापस जो है मैं मेरे पास दोबारा ऑप्शन हो कि मैं ए भी इनपुट करा सकूँ और बी भी इनपुट करा सकूँ यानी जब मैं सी पे बैठा हूँ सी के बाद मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं ए भी इनपुट करा के इधर से वापस आऊं और बी भी करा सकूं तो ये देखो ये मैंने क्या किया ए पे वापस चला गया ए देकर और बी पे वापस चला गया बी देकर अब मेरे पास ए का ऑप्शन भी है और अब मेरे पास बी का ऑप्शन भी है अब मैं मल्टीपल टाइम्स ए और बी दोनों को इनपुट करवा सकता हूं ठीक है मेरी बात समझ आई कि अब आप वापिस जो है ए बी सी डी चार स्टेट्स बना दी नौ स्टेट्स को कम करके आपने चार स्टेट्स बना दी और अब आप ए बी इनपुट करा सकते हैं बी भी करा सकते हैं ए सी भी करा सकते हैं बी सी भी करा सकते हैं ठीक है और ए सी के कम्बिनेशन भी बना सकते हैं ए सी ए सी और बी सी के भी कम्बिनेशन बना सकते हैं अब मैंने क्या करना है ठीक है अब मैं कहता हूँ कि जो है मेरे पास जो है ये फाइनल स्टेट है मेरे पास ये वाली फाइनल स्टेट ये वाली मेरे पास क्या है फाइनल स्टेट है ठीक है लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है इस स्टेरिक को भी तो डील करना है ना स्टेरिक को <perfektionic> तो हो सकता है कि ये सारी इनपुट हो ही ना ये सारी इनपुट वो यूजर जो है वो ये इनपुट भी ना दे वो ये इनपुट भी ना दे तो तो फिर फिर क्या होगा तो फिर ये मेरे पास स्टार्ट स्टेट पे ही वो क्या करेगा आपको एपलसॉन हो जाएगा यानी नल तो नल हो जाएगी सारी इनपुट यानी आगे कोई इनपुट नहीं गई तो इसलिए आपकी स्टार्ट स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना दिया और आपकी इस स्टेट को भी क्या किया फाइनल स्टेट बना दिया

और शॉर्ट कर सकता हूं देखो नौ स्टेट से चार स्टेट पे मैं आपको ले आया हूँ क्या चार स्टेट से मजीद तीन पे जा सकते हैं किस तरीके से जा सकते हैं सोचें जरा इसके बारे में फॉर रेफरेंस आवर रेगुलर एक्सप्रेशन वाज दिस कि ये जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन था उसकी हमने क्या किया ये फाइनल DFA बना दी और ये सारी इनपुट अगर आप जैसे मर्जी आप जो दोस्त मिलके आप सारे इस तरह की इनपुट बनाकर इसको पास करवा के देखें ये बिल्कुल एकट होगी एग्जैक्ट चलेगी और ये एक जेनेरिक डायग्राम होगी इन डायग्राम ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि वो जो सिर्फ आपकी मर्जी की इनपुट्स को ही डील कर सके वो दूसरे की इनपुट को डील ही नहीं कर सके तो ऐसी डायग्राम्स बनाओ भाई कि जो सबकी इनपुट्स को डील कर सके जेनेरिक डायग्राम हो ठीक है तो ये एक, एक आपके पास जेनेरिक डायग्राम आ गई अब इट्स पॉसिबल दैट द रिजल्टिंग डी एफ ए कैन बी मिनिमाइज फर्दर हो सकता है कि हम इसको मजीद मिनिमाइज कर सकें स्टार्ट बाई कम्बाइनिंग ऑल नॉन फाइनल स्टेट्स कि इसमें से जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं हम उनको एक तरफ कर देते हैं और जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं हम उनको एक तरफ कर देते हैं तो फाइनल स्टेट कौन सी हैं एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है और नॉन फाइनल कौन सी हैं सी है और बी है यानी अब हम एक नई डाइग्राम बना सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ए और डी ठीक है और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि बी और सी तो ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं अब इनके दरम्यान में इनपुट्स कैसे लेके जानी है ये देखिए हमने उसको खत्म कर दिया ए को खत्म कर दिया और ए और डी को कंबाइन कर दिया ये हमने फाइनल स्टेट नॉन फाइनल स्टेट्स को कट सॉरी हमने फाइनल स्टेट्स को कंबाइन कर दिया है ठीक है नो अब क्या करना है नॉन फाइनल स्टेट्स को कंबाइन करना है यानी बी और सी को कंबाइन करना है तो बी और सी को कंबाइन कर दिया और ए और डी को कि स्टार्ट भी ये है ठीक है और फाइनल भी ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ए इनपुट देकर यहाँ जा सकते हैं और सी इनपुट देकर वापिस आ सकते हैं ए सी ए सी बन सकते हैं और यहाँ पर वापिस आके बी बी इनपुट दे सकते हैं सी भी इनपुट दे सकते हैं तो बी सी बी सी भी हो सकते हैं ए सी बी सी ए सी बी सी तो आपको ये जो मैंने आपको यहाँ पर ग्रामर दिखाई इस सारी की सारी ग्रामर को आप क्या कर सकते हैं इसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं देखिए कि नौ स्टेट से मैं चार स्टेट पे आपको लेकर आया चार से मैं अब आपको दो स्टेट पर लेकर आया हूँ मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी स्टेट्स कम होंगी उतना आपको जो है उन स्टेट्स के बारे में कोड लिखना आसान हो जाएगा ठीक है तो अभी मैंने फर्दर आपको इस डायग्राम को फर्दर कोड में कन्वर्ट करना भी बताना है अभी डायग्राम बनाने का तरीका सीखें कि पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है देन उसका एन बनाना है उस एन के एक एक डी बनाना है और फिर उस डी की स्टेट्स को मिनिमाइज करना है और आपने हर एक टास्क को जिस तरीके से मैं साथ ऊपर देखो लाइनें लिख के उसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ आपने पेपर में ऐसे ही इनको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ अपनी डायग्राम को शॉर्ट कर रहा हूँ क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहा हूँ ठीक है मेरी बात समझ आई तो अब ये डायग्राम आपकी जो है वो हमने एन टू डी हमने सक्सेसफुली जो है वो कन्वर्जन कर लिया है ठीक है अब आ, आगे बात करते हैं अब एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ तो ये मैं आपको क्या बताता हूं ये एक एन एफ ए दे दी है अब मुझे बताओ कि इसको क्या मैं मिनिमाइज कर सकता हूं डिजिट है डॉट है सॉरी ये एक दूसरी डी एफ ए है ठीक है ये ऑलरेडी मिनिमाइज है कि इसमें क्या है हमारे पास एक डिजिट है और ये एक फ्लोट नंबर के लिए है डिजिट फॉर एग्जाम्पल टू है डॉट उसके बाद क्या आएगा? फिर एक डिजिट है तो मैं यहाँ पर, तो पर मजीद फाइव देके फाइनल पे जा सकता हूँ अब मुझे अगर मजीद इनपुट देनी है तो मैं यहाँ पर आकर मजीद इनपुट दे सकता हूँ सिक्स फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसलिए ये भी आपके पास फाइनल स्टेट है ये भी फाइनल स्टेट है तो ये किसी भी फ्लोट नंबर को सही तरीके से उसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास मिनिमाइज डीएफए ठीक है, है? मिनिमाइज डीएफए मजीद मिनिमाइज करते इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते तो क्या था डिजिट था फॉर एग्जाम्पल फाइव था फाइव पॉइंट आगे बी सी बी सी डिजिट चलते जा रहे हैं यानी ये डॉट के बाद आप यहाँ पर टू लिखें आप थ्री लिखें आप फोर लिखें आप सिक्स लिखें मल्टीपल टाइम्स आप क्या कर सकते हैं आप डिजिट एंटर करा सकते हैं ठीक है तो ये क्या आपके पास ये आपके पास डिजिट डॉट डिजिट ठीक है और इसका क्या आपके पास इसका स्टेरिक है आपके पास ठीक है तो ये आपके पास इस मसले का सलूशन जो है वो आप यहाँ पर सॉरी 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 ये नहीं बल्कि ये इसका नहीं है सॉरी ये है आपके पास डिजिट डॉट डी स्टेरिक ठीक है तो ये सिंपल इसका स्टेरिक है पहले वाले का स्टेरिक नहीं है ठीक है तो ये आपके पास मल्टीपल आपके डिजिट्स हो सकते हैं और सॉरी इसके ऊपर भी स्टेरिक है क्योंकि ये देखो इसके ऊपर भी हम रूप लगा रहे हैं ठीक है इसके ऊपर भी हम लूप लगा रहे हैं, है? हैं। समझ आई मेरी बात तो डी स्टरिक और डी स्टेरिक तो इस तरीके से हम क्या करते हैं नाउ दैट वी हैव आवर डी एफ ए वी कैन एक्चुअली क्रिएट एस कैनर तो अब हमें पता चल गया कि हमने अपनी दी हुई इनपुट को किस प्रोसीजर में से गुजार के उसको वेरीफाई करना है

उसका सी प्लस प्लस कोड क्रिएट करना है। तो अब ये जो स्टेप नंबर फाइव है इसको फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे ठीक है जी